सो हेलो स्पनर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे बच्चों। मैथ्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नेम है ज्योमेट्री। बच्चों ज्योमेट्री जो चैप्टर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। अब यहां से हम बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट करेंगे क्लास 5 से, तो फिर आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो बहुत दिक्कत जाने वाली है आपको आगे आने वाली क्लास में। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसकी एक्सरसाइज सारी करेंगे हम, लेकिन इनकी एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करेंगे, एक दो बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि हम पहचानेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे तो बहुत ही इजीली आप पे, मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ही आसानी से आपको पूरी एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हो आप। सबसे पहले जो हमें टर्म्स सीखने हैं, सबसे पहले हमें टर्म्स सीखने हैं, ठीक है, क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्योंकि मैथ्स पूरी जो रहती है वो बेसिक कंसेप्ट्स पर रहती है। सबसे पहला जो बच्चों हमें पॉइंट सीखना है वो है लाइन। क्या है वो लाइन, कि लाइन होती क्या है, आखिरकार लाइन होती क्या है। तो बच्चों अगर हम लाइन की बात करें तो कोई भी ऐसी जो एक इस तरीके से आपने देखा होगा, ये लाइन होती है बच्चों, है ना। लेकिन लाइन में एक क्या क्या ऐसी खासियत होती है, तो उसमें बच्चों दोनों साइड एरो लगे हुए रहते हैं। तो लाइन वही होती है जिसमें क्या रहे, दोनों साइड एरोज लगे रहे। अगर एरोज नहीं लगे रहेंगे दोनों साइड तो वो लाइन नहीं कहलाएगी। अब सपोज कीजिए, सबसे मेन है लाइन की नेमिंग कैसे हम करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, कंसीडर कर लूं इस लाइन पे, और एक दूसरी साइड लाइन पे पॉइंट कंसीडर कर लूं। पहली साइड अगर मैं लाइन पे कंसीडर करता हूँ पॉइंट ए, और दूसरी साइड में कंसीडर करता हूँ पॉइंट बी, तो इस लाइन का जो नेम होगा बच्चों वो होगा ए बी, और उसके ऊपर मैं ऐसे एरो बनाऊंगा और इस तरीके से दोनों साइड एरो बना दूंगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, याद रखना है इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन बना दूं और दोनों साइड में एरो बना दूं, और एक साइड में पी नाम दे दूं और एक साइड में क्यू नाम दे दूं, तो इस लाइन का नाम क्या होगा बच्चों, पी क्यू, और दोनों साइड में ऊपर एक लाइन खींचूंगा छोटी सी, ओके, और उस पे मैं क्या कर दूंगा, इस तरह से एरो बना दूंगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार करोगे और सब कुछ बन जाएगा, टाइम लेते हैं ये बात समझने के लिए, ना डायग्रामेटिकली हमें ये समझना है। धीरे धीरे आपको सब क्लियर होगा। तो अगर आपको लाइन क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ओके लिख के बताना कि लाइन इज क्लियर, और जो जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाए, कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। अब हम आते हैं सेकंड पे, लाइन के बाद आ जाता है हमारा सेकंड टर्म, वो होता है रे। क्या होता है रे, रे क्या होता है बच्चों, कि अगर मैं यही फिर से एक लाइन इस तरह से मैं खींच दूं, क्लियर, और एक साइड में इसको एक पॉइंट में दे दूं लेकिन दूसरी साइड एक एरो में बना दूं, क्लियर, इसका मतलब क्या होगा कि रे में मेरा एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन दूसरी साइड मेरा पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, कि वो कहां तक जा रहा है मुझे ये नहीं पता। बच्चों इस एरो का मतलब आप समझते हैं, लाइन में ये एरो का मतलब है कि हमें नहीं पता है ये कहां तक जा रहा है, ये एरो ये बढ़ता ही जाएगा, मींस लाइन आपकी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, आपको पता ही नहीं रहेगी कि लाइन ये कितनी लंबी है, क्योंकि दोनों साइड एरो लगे हैं, इसका मतलब दोनों साइड वो लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। इसके बाद अगर रे की बात करें तो रे में क्या होता है कि ये एक ही साइड एरो रहता है, मींस एक साइड आपको पता होगा कि इसका एंड पॉइंट कहां पर है लेकिन दूसरी साइड का एंड पॉइंट आपको नहीं पता रहेगा, क्लियर। इसीलिए हम सन की रेज बोलते हैं ना, सन को हम रेज बोलते हैं, क्योंकि सन जो रहता है हमारा उसमें क्या होता है कि इसका एक पॉइंट तो हमें पता रहता है लेकिन दूसरी साइड तक हमें पता ही नहीं रहती कि उसकी रेज कहां तक जा रही है, क्लियर। ये अगर मैं सन कंसीडर करूं तो हमें नहीं पता रहता ना, तो ये चीज, इसीलिए हम सन को रेज बोलते हैं, सन रेज। सन लाइन कभी सुना है आपने, ऐसा नहीं होता, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका नेमिंग हम कैसे करते हैं वो देखो। सपोज करो इस पे मैं P पॉइंट दे देता हूँ और दूसरी साइड में यहाँ पे Q पॉइंट दे देता हूँ, तो इसका जो नेमिंग होगा बच्चों वो होगा P Q, और उसके ऊपर मैं एक ऐसे लाइन खींचूंगा और एक ही साइड में क्या बना दूंगा, एरो। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो देखो, लाइन में दोनों साइड एंड पॉइंट नहीं होते लेकिन रे में एक साइड एंड पॉइंट होता है, क्लियर। इसी तरह एक और मैं रे बना देता हूँ, इस तरह से मैंने एक और रे बनाई और एक साइड मैंने दे दिया P पॉइंट, एक साइड दे दी, सॉरी A दे देता हूँ, एक साइड मैंने A पॉइंट दे दिया, दूसरी साइड B दे दिया, तो इसका नाम अगर मुझे बताना है तो मैं A भी लिखूंगा और ऐसे बन के ऐसे बना दूंगा, क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट आप क्लियर करते जाना बहुत ध्यान से। तो रे भी हो गए बच्चों। अब थर्ड पे आ जाते हैं हम, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, क्लियर।
तो लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों, लाइन का हम कुछ पार्ट उठा लेते हैं ठीक है, जिसकी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। बच्चों रे की हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते कि ये कितनी लंबी रे है, क्योंकि हमें एंड पॉइंट पता ही नहीं ना, तो वो तो बढ़ती जा रही है, तो हमें उसका पता ही नहीं है ना कि कितनी लंबी है रे, नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से आप लाइन की भी लेंथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते कि वो कितनी लंबी है, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है ना बच्चों, इसकी आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, ये मैंने बनाए, देखो इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट है ना, अगर मैं यहाँ का देखूं, इस साइड देखो, इस साइड भी एंड पॉइंट है इसका, और इस साइड भी एंड पॉइंट है, मीन्स ये रुकी हुई है, दोनों साइड से रुकी हुई है, कहीं से भी बढ़ नहीं रही है, इस वजह से ये एक डेफिनेट लेंथ है, तो इसकी लेंथ मैं मेजर कर सकता हूँ। दूसरी बात कि इसका नाम हम कैसे देंगे, तो मैं अगर इधर पे ए दे दूं और यहाँ पे मैं बी दे दूं, तो मेरा इसका नाम कैसे लिखूंगा, मैं ए बी लिखूंगा और ऊपर बस एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्लियर है, एक लाइन बस मैं ड्रॉ करूंगा और ये मेरी बन गई लाइन सेगमेंट। सिमिलरली चलो मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, मीन्स लाइन सेगमेंट, बेसिकली हम लाइन सेगमेंट लाइन ऐसे बोल देते हैं जनरली, लेकिन डिफरेंस बहुत होता है उनमें। एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने P लिखा, यहाँ पे मैंने Q लिखा, तो मैं पी क्यू, तो मेरा लाइन हो जाएगा और लेके लाइन सेगमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं उसको रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा, क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों लाइन सेगमेंट क्लियर हो गया ना, अपन लाइन सेगमेंट ऐसे बोलते हैं ना, 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बनाओ, तो आप स्केल यूज करके उसको बना भी सकते हैं। तो पहली बात तो है कि आप इनको समझे, सेकेंड थिंग उनमें डिफ्रेंशिएट करना भी सीखे कि क्या क्या अंतर होता है हमारा लाइन सेगमेंट लाइन और रेज में, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें सीखना है पैरेलल लाइंस। क्या सीखना है? पैरेलल लाइंस, ध्यान से समझना। पैरेलल लाइंस बच्चों वो देखो इसमें कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, लाइन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब हमें लाइन तो बनानी है, क्यों? क्योंकि लाइन वर्ड यूज हो रहा है उसमें। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले हम दो लाइन बनाएंगे, क्लियर, चलो बनाता हूं। एक लाइन मैंने ऐसी बना दी और एक और लाइन ऐसी बना दी। अभी क्या ये लाइन है? नहीं है लाइन, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन तो तब कहलाएगी ना जब मैं दोनों साइड क्या बनाऊंगा, एरोज बनाऊंगा, क्लियर, ये हमने पढ़ चुका है लाइन में। अब अगर मैं दो ऐसी लाइन बना दूं जो कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहे लेकिन कभी भी वो टकराए ना, क्लियर, क्योंकि लाइन है तो वो तो ऐसी बढ़ती जाएंगी ना, तो वो कभी भी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, टकरानी नहीं चाहिए, तो वो कहलाती है हमारी पैरेलल लाइंस, क्लियर। द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो कभी भी टकराए ना, तो वो लाइन हमारी होती है पैरेलल लाइंस। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, है ना, रेलवे ट्रैक जो होता है ना जिसपे ट्रेन चलती है, तो वो कभी भी मिलता नहीं है, क्योंकि अगर वो मिल गई तो वो ट्रेन तो गिर ही जाएगी ना। इसी तरह से आप देखोगे कि आप जिस कॉपी में लिख रहे हो तो उसकी जो लाइन होगी बच्चों वो कुछ इस तरह से आपको दिख रही होंगी, है ना, इस तरह से दिख रही होगी। तो कहीं पे भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये लाइंस मिल रही है, तो नहीं मिल रही है ना, तो ये भी क्या कहलाती है हमारी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे, है ना। तो आपकी जो कॉपीज रहती है उसकी भी लाइंस क्या रहती है हमारी, पैरेलल ही रहती है, तो वो लाइन जो कभी भी टकराए ना वो पैरेलल लाइंस होती है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों लास्ट वाला, जो कि हमें लास्ट टर्म पढ़ना है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी? इंटरसेक्टिंग, SECTING, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बच्चों इसमें भी वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, लाइंस, इसका मतलब इसमें भी लाइन होगी, लेकिन इसमें कौन सी लाइन होगी, वो लाइन जो टकरा जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक लाइन ऐसी बना दूं, ये देखो दोनों साइड मैंने एरो बना दी, और एक लाइन मैं ऐसी बना दूं, क्लियर, अब ये दोनों लाइन मेरी क्या हो रही है, इस पॉइंट पर क्या हो रही है, टकरा रही है। देखो इस पॉइंट पर क्या हो रही है, टकरा रही है, इस वजह से ये लाइन क्या होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सो द लाइन विच इंटरसेक्ट, द लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, एंड द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर नोन एज पैरेलल लाइंस। तो क्लियर हुआ ये सारा कंसेप्ट, अगर हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्लियर। लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, दोनों साइड बढ़ती जाती है, रेंज जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है, एक ही साइड बढ़ती है, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं और उसकी लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो कि कितनी लंबी लाइन सेगमेंट वो है। इसके बाद पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था, तो पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो कि कभी भी मिलती नहीं है, क्लियर। इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन देखा था हमने, तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो टकरा जाती है। अब आते हैं बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज पे, और जो भी कुछ भी एक आध दो टर्म्स बचे होंगे तो वो भी हम क्लियर क्या करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, एक्सरसाइज 10.1 का, तो इसमें क्या है हमारा,
क्लासिफाई एज पैरेलल इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो एक परपेंडिकुलर लाइंस वाला टर्म भी आ गया, तो हम परपेंडिकुलर लाइंस भी देख लेते हैं। पहले एक हम परपेंडिकुलर लाइन भी देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो PER PEN PI CUL AR परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर बच्चों। परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइन, देखो अब लाइंस तो वर्ड इसमें भी यूज होना, मतलब लाइंस तो आएगा इसमें भी, तो हम एक एक इस तरीके से लाइन बना दें और एक इस तरीके से लाइन बना दें। तो जो लाइन देखो ये लाइंस ही है ना ये वाली, तो वो लाइंस जो कि टकराएं एक दूसरे से लेकिन 90 डिग्री एंगल पर टकराएं, कितने डिग्री पर 90 डिग्री एंगल्स पर टकराएं, तो वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। मींस ऐसी ऐसी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी, एक दो दो स्ट्रेट बिल्कुल ऐसी लाइन होनी चाहिए है ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं बच्चों। मींस 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब 90 डिग्री आपने अगर पढ़ा हो तो आपको बेसिकली ऐसा अगर दिख जाए ना कहीं पे भी तो वो परपेंडिकुलर लाइन, मींस ऐसा और ऐसा, ठीक है ऐसा और ऐसा, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें आप देखते ही साथ बता सकते हो कि ये कौन सी लाइन है, तो ऑब्वियसली ये कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि इनको चाहे तुम जितना भी पढ़ा दोगे कभी भी मिलेंगी नहीं, तो ये कौन सी है, पैरेलल लाइन है। तो मैं थोड़ा छोटा करके लिखता हूं इसको, पी ए आर ए डबल एल ई एल, पैरेलल लाइंस। ओके ये दोनों देखो ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, इसका मतलब टकरा रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कौन सी है, इंटरसेक्टिंग, आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई एन जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके आप आंसर लिखोगे और उसमें उसके नीचे ये लिख दूंगे। ये भी देखो परपेंडिकुलर तो है नहीं, टकरा रही है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है ये, ठीक है इंटरसेक्टिंग एस ई सी टी आई एन जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। इसके बाद ये देखो ये भी कभी भी नहीं टकराएंगी क्योंकि ये बिल्कुल है ना, जो टकराती नहीं वो पैरेलल लाइंस, तो पी ए आर ए डबल एल ई एल एल आई एन ई एस, तो ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट पे आ जाओ, ये देखो ये वाली भी कब टकराई गई है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम आप ध्यान से देखो, मैंने ये वाली लाइन टकरा रही है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो है, लेकिन ये टकरा कितने पर रही है बच्चों, देखो 90 डिग्री एंगल्स पर टकरा रही है। इनके बीच में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, परपेंडिकुलर लाइन्स, एल आई एन ई एस। यहाँ पे भी देखो ये वाली भी टकरा रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं ना, तो ये देखो मेरा वैसा ही डायग्राम बन गया ना जैसा मैंने ऊपर बनाया था। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये वाला डायग्राम, देखो मैंने बोला था ना अगर ऐसा डायग्राम दिख जाए इसका मतलब परपेंडिकुलर लाइंस है वो, तो देखो ये वैसा ही डायग्राम है, तो ये भी हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, अगर स्पेलिंग विजिबल नहीं हो तो ये ऊपर लिखी हुई है आप लिख सकते हो, परपेंडिकुलर लाइंस। और ये वाली लाइन बताओ अच्छा मुझे एच वाले में, तो बच्चों ये देखो अगर आप थोड़ा सा भी आप अगर दिमाग लगाओगे तो ये जब आगे बढ़ती जाएंगी ना लाइन, तो कहीं ना कहीं जा करके ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी हमारी, इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे ना पीछे साइड, तो ये क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके तो हमारी मिल जाएगी, तो ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, इसका मतलब ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो इंटरसेक्टिंग आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई एन जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर आपको बस लाइंस के बारे में पता है तो आप बहुत ही इजीली ये सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बाकी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी एपीएस क्लास 5 चैप्टर 10 ज्योमेट्री के नेम से, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सारी वीडियो आप एक साथ कवर कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, उनकी भी हेल्प हो सकती है, क्लियर। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।